अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है ईरानी चादर में स्लीव्स लगाने का तरीका सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो रिक्वेस्ट आई है कि हमारे पास जो है वो रेडीमेड ईरानी चादर है, उसमें हम स्लीव्स कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको साथ में ईरानी चादर की जो है वो कटिंग स्टिचिंग भी सिखा दूँ। बहुत ईजी है, अगर ज़्यादा घेर वाली बनानी है तो इस मेथड को आप जो है वो फॉलो करिए। सबसे पहले आपको इस तरह फ्रंट का नाप ले लेना है, आपका जितना भी नाप है उसके अंदर आपको जो है वो 2 इंच तक ऐड करना है, क्योंकि फोल्डिंग के हिसाब से हमें फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। देखिए मैंने यहाँ पे डॉल का जैसे मेजरमेंट लिया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप ले सकते हैं। आपका जो है वो जो साइज़ है वो 55 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, जैसी आपकी लेंथ रहती है। तो ईरानी चादर अगर आपको बहुत ज़्यादा घेर वाली बनानी है तो आपको बहुत ज़्यादा पने का फैब्रिक लेना होगा। तो ये हिस्सा जो खुला वाला रहता है इस तरह यहाँ पे ये फ्रंट वाला हमारा हो जाता है। तो आपको जो भी आप फैब्रिक ले रहे हैं उसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है, और जो आपका जो विद वाला फैब्रिक है वो आपका बैक साइड में हो जाता है, और जो मीटर के हिसाब से हम लेते हैं लंबाई में तो ये हमारा फ्रंट साइड में हो जाता है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद में आपको जो है वो बैक का मेजरमेंट करना होगा, और आपका जो यहाँ पे बैक का मेजरमेंट रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे सर पे से ले रहे हैं, और ये हिस्सा जो बंद वाला है ये हमारा बैक साइड का होगा। तो इसकी लेंथ आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, तो वो लेंथ हमारी जो है वो फैब्रिक के विद में आ जाती है। तो इसलिए आप हो सके तो इसमें 70 विद का फैब्रिक लीजिए, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपका घेरा बनेगा इसके अंदर। और इस तरह से जो सामने फ्रंट वाली लंबाई रहेगी उसको इस तरह से आपको मेजर करना है, जितनी लंबाई है उस तरह आपको घुमाते जाना है। लेकिन जब पीछे की तरफ आप जाएँगे यानी यहाँ पे, तो आपकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, जितनी भी आपकी लंबाई रहेगी बैक की उतनी आपको लेते हुए लास्ट में मिला देना है। ये देखिए इस तरह से मार्किंग करनी है इसकी, उसके बाद में इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे फैब्रिक को रखना है और इस तरह से मेजर करके आपको कट कर लेना है। तो इसमें जो राउंड शेप आएगा फ्रंट में थोड़ा सा कम रहेगा और बैक में आपकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रहेगी, और जितना ज़्यादा पन्ना रहेगा उतना ज़्यादा घेरे वाली आपकी चादर बन के रेडी होती है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले फ्रंट में डबल फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे मैं जो है वो डॉल के हिसाब से बना रही हूँ, तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और सामने वाले हिस्से पे हम सिलाई लगा देंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको जो है वो स्लीव्स इसके अंदर लगानी है। तो जिसे ईरानी चादर बनाना सीखना है तो वो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिए, बगैर स्किप किए हुए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और जिनके पास जो है वो रेडीमेड है स्लीव्स लगानी है तो वो आगे आराम से सीख सकते हैं। बस इतना हमें यहाँ पे करना है, उसके बाद में यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है मार्क करेंगे हम, जो कि सर के ऊपर रहता है। ये देखिए इस तरह से रखना है आपको, और इसमें जो है एक इलास्टिक लगी हुई रहती है अंदर की तरफ, ताकि ये चादर आपके सर पर अच्छी तरीके से टिक सके। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरफ से यानी दोनों आइब्रो का जो आपका साइड वाला हिस्सा है यहाँ तक आपको मेजर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों तरफ मेजर करने के बाद में जो भी हमारी लंबाई रहेगी दोनों आइब्रोज़ की बीच की, उस हिसाब से यहाँ पे हमें लेना है। तो दोनों को हाफ ऑफ करते हुए यहाँ पे मार्किंग करनी है। बड़ों के हिसाब से आपको जो है वो 10 इंच पर मार्क करना है, मैंने यहाँ डॉल के हिसाब से किया है तो 2.5 इंच और 2.5 इंच यानी 5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरीके से। तो इलास्टिक हमें इसी तरीके से लगाना है। इस चादर की जो पूरी मेजरमेंट है वो मैंने बड़ों के हिसाब से बताया है, तो उसी हिसाब से जो है आप आराम से बहुत ज़्यादा घेर वाली ईरानी चादर घर पे बना सकते हैं। बस आपको फैब्रिक ध्यान से लेना है, जितना ज़्यादा आपके फैब्रिक का पना होगा यानी विद होगी आपकी जो चादर है उसमें घेरा बहुत ज़्यादा आएगा। देखिए इस तरह इसे फोल्ड करना है और इलास्टिक को स्टिच कर देना है इसके अंदर। तो यहाँ पे इलास्टिक हमारी लग चुकी है, ये देखिए इस तरीके से, बड़ों की चादर में भी इसी तरीके से इलास्टिक लगी हुई होती है। और यहाँ पे मैं आपको डॉल को दोबारा से पहना के देखिए इस तरह दिखाती हूँ। इस तरह से इसे यहाँ पे सर पे रखा जाता है और जो हमने इलास्टिक लगाई है पीछे की तरफ फिट हो जाती है। तो इलास्टिक अपने सर के हिसाब से लीजिए, चौड़ी या पतली जो भी आप ले रहे हैं अपने साइज़ के हिसाब से यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर देखिए चादर को इस तरीके से आपको पहनना होता है और घेरा इसमें बहुत ज़्यादा आता है, जो तरीका मैंने बताया कटिंग करने का कपड़े की विद के ऊपर होता है टोटल। अब तो ये तो हमारी चादर बन गई है, अब इसमें अगर किसी को स्लीव्स लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको जो है वो सही से मेजरमेंट लेना होगा।
तो यहाँ पे सर पे बिल्कुल बीच में आपको रखना है और अपनी कलाई तक आपको नाप लेना है। जैसे यहाँ पे डॉल का 10 इंच आ रहा है, आपका यहाँ पे जितना भी आए 32 आए 33 आए जितना भी आता है वो आपको लेना है, प्लस यहाँ पे आपको गोलाई लेनी है अपनी कलाई की। तो जैसे यहाँ पे डॉल की 3 इंच आ रही है तो आपकी जितनी भी गोलाई होगी 8 इंच है 10 इंच है जो भी आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से उसका हाफ आपको करना है। और इसकी मार्किंग मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको करना है। ये देखिए चादर को आपने इस तरीके से रखा, अभी यहाँ पे ये फ्रंट वाला हिस्सा है ओपन वाला जो फेस की तरफ रहता है। तो चादर को जो है हम एक बार इस तरह खोल लेंगे पहले, और खोलने के बाद में देखिए इस तरह आपको रखना है बिल्कुल तिकोना बना के इस तरीके से। ये देखिए जो ओपन वाला हिस्सा है बिल्कुल सामने की तरफ हम इसे रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ दोनों तरफ हमारी स्लीव्स का निशान होगा। तो स्लीव्स हमें देखिए किस तरीके से मार्क करना है, आपको बस इस तरह रखने के बाद में दोबारा से इसे यहाँ पे क्रॉस करना है। ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल एक बन गया है। तो सेम इसी तरीके से आपको चादर को रखना है, उसके बाद में मार्किंग करनी है। अब हमने जो मार्क किया था सर के ऊपर से लेके हमारी कलाई तक का नाप, जो कि इस डॉल के हिसाब से 10 इंच आ रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको अपना नाप लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 10 इंच पर मार्क किया है इस तरीके से। उसके बाद में आपको जो है जो आपकी गोलाई का नाप था उसका हाफ़ करते हुए यहाँ पे मार्किंग करनी है नीचे। यहाँ पे हमें हमारे स्लीव्स को अटैच करना है, तो बड़ों के हिसाब से आप यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाइए। ये देखिए यहाँ पे आपको 6.5 इंच पे निशान लगाना है, और इस तरीके से आपको एक साथ में कटिंग करना है ताकि आपकी जो स्लीव्स का निशान है वो दोनों तरफ इक्वल आ जाए। अगर आप बहुत दुबले पतले से हैं और आपकी कलाई की जो गोलाई है वो कम आ रही है तो यहाँ पे आप जो है वो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसे कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने कट किया तो दोनों एक साथ में कटिंग हो गया है। तो आपको चादर को बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड करना है, अगर फोल्डिंग सही होगी तो ही आपकी कटिंग बराबर से हो जाएगी। और जब हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों हमारी स्लीव्स का निशान बिल्कुल सही तरीके से आ गया है। अब दोनों स्लीव्स हमें यहाँ पे अटैच करना है, तो उसके लिए जो बचा हुआ फैब्रिक रहेगा उसके अंदर से हम स्लीव्स यहाँ पे कट करेंगे। और स्लीव्स की जो लंबाई है वो आपको बहुत ज़्यादा छोटी नहीं रखनी है, थोड़ी सी आपको बड़ी रखनी है ताकि आपको जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल लगे पहनने के बाद में। तो आपको फैब्रिक को इस तरीके से फोर फोल्ड करके रखना है। अभी मैं आपको जो है इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बता देती हूँ कि आपको कितना रखना है। ये देखिए यहाँ पर हमने दो स्लीव्स एक साथ में कट कर ली है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और आपकी हाइट भी अच्छी है तो आपको कम से कम यहाँ पे 10 इंच लंबा जो है वो रखना है, यानी आपकी जो स्लीव्स की लंबाई है वो 10 इंच तक रहेगी। लेकिन आप जो है वो आपकी हाइट बिल्कुल मीडियम है तो आपको यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच तक रखनी है। ये देखिए ये जो आपकी लेंथ होगी ना यहाँ पर आपको जो है वो 7 इंच रखना है। अगर आप मीडियम साइज़ में बना रहे हैं, बड़ी साइज़ बना रहे हैं तो आपको कम से कम 9 इंच तक रखना है या 10 इंच तक रखना है। उसके बाद में ये जो यहाँ पे फ्रंट में जो हमारी गोलाई होती है कलाई की, यहाँ पे आप चाहें तो इलास्टिक लगा दें, नहीं लगाना चाहें तो आप डायरेक्ट भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो डबल फोल्ड करना है और इलास्टिक को उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो इलास्टिक डालना भी बहुत ज़्यादा आसान है, पतली वाली इलास्टिक ले लें अगर इतनी चौड़ी नहीं है तो, या फिर आप डायरेक्ट भी आस्तीन सामने की तरफ से फ़ोल्ड कर सकते हैं ताकि आपकी कलाई में जो है वो आराम से आसानी से जा सके। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब मुझे जो है इसके अंदर इलास्टिक नहीं लगानी है तो मैं यहाँ पे हल्की सी गैदर्स डालूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो बड़ी सिलाई लगाई है। बड़ी सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे इसे हम खींच के बराबर कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉल के हिसाब से बना रही हूँ इसलिए यहाँ पे मुझे कफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्लीव्स में कफ भी लगाना चाहते हैं तो आस्तीन की लंबाई आपको कम करनी है और इसके अंदर आपको कफ की लंबाई अटैच करनी है। और कफ स्लीव्स जो है वो कैसे बनाते हैं आप मेरी जो है वो वीडियोस में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बाद में आपको फाइनल सिलाई लगानी है इस तरह खींचने के बाद में, यानी आपको छोटी छोटी दो स्लीव्स बना के रेडी कर लेनी है सबसे पहले। जब आपकी स्लीव्स रेडी हो जाएगी तो आप चादर में आसानी से फिट कर सकते हैं। तो हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब इसे लगाने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जैसे स्लीव्स जो है वो फिट होती है चादर के अंदर, सेम उसी तरीके से देखिए आपको इस तरह बिल्कुल सीधा रख देना है। सिलाई वाला हिस्सा इसमें नीचे रखिए, देखिए इस तरीके से बस ऐसे रखना है, इसे इस तरह टर्न करना है और पीछे की तरफ इसे ले लेना है यहाँ पर।
और जो इसकी गोलाई आपको दिखाई दे रही है बस उसके ऊपर ही आपको सिलाई करनी है। इसमें भी अगर आपको लगता है कि आपकी स्लीव्स की चौड़ाई थोड़ी सी चौड़ी हो गई तो आप हल्की हल्की उसके अंदर प्लेट्स डाल दीजिए तो भी आपकी जो स्लीव्स है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह बस घुमाते जाना है और आपको सिलाई लगाते जाना है तो बहुत ही आसानी से आप जो है वो स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीव्स देखिए आपको अटैच करके बता दिया है तो सेम इसी तरीके से आपको अपने स्लीव्स को अटैच करना है। ये देखिए इस तरह और स्लीव्स की डिज़ाइन आप सामने से कैसी भी बना सकते हैं, डिज़ाइनर बना सकते हैं, इलास्टिक लगा के जो बारीक वाली इलास्टिक होती है वैसी डिज़ाइन बनाकर भी आप बना सकते हैं। और ये फ्रंट वाला हिस्सा देखिए ओपन रहता है, अगर आपको बटन लगानी है तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चादर को रेडी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह स्लीव्स लगाने के बाद में आपकी चादर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इतना रेडी करने के बाद में नीचे जो घेरा है वहाँ पे आप चाहें तो पीको करा लें, चाहें तो आप बारीक सिलाई लगा सकते हैं डबल फोल्ड करके। मैंने बहुत सारी वीडियो जो है ईरानी चादर की अपलोड करी, उसमें मैंने सामने की तरफ जो है वो जैसे हिजाब कैप में पट्टी लगाई जाती है, सामने कैप लगाई जाती है, वैसे ही मैंने बताया है। तो उस तरीके से भी आप जो है अपनी चादर को बना के रेडी कर सकते हैं। सामने जो है आप कैप लगा सकते हैं इसमें जैसे हिजाब वगैरह में होता है। और देखिए इस तरह इसे पहनना है, बहुत आसान है, बस आपको इस तरह स्लीव्स को डाल देना है। तो आप मेरे तरीके से अगर आप चादर बनाते हैं तो आप आराम से घर पे बना सकते हैं, आपको कहीं किसी से बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह जो है वो आपकी चादर बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है। ये देखिए तो आपको अगर ईरानी चादर बनानी है और आपके पास ज़्यादा फैब्रिक जो है वो नहीं है, कम विथ का फैब्रिक है जैसे नॉर्मली मिलता है ड्रेस वगैरह के लिए, तो भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि किस तरीके से वो आप चादर बना सकते हैं। उसमें जो है बैक साइड में पीछे जोड़ आता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा विथ का फैब्रिक लेते हैं जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें बिल्कुल भी जोड़ नहीं आता नीचे की तरफ, इसका घेरा बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ही प्यारी लगती है चादर। कम घेरे में भी आप बना के यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को जो है वो आप लोग देख के सीखते हैं और अगर बनाते हैं तो आप लोग जो है मुझे उसका फ़ोटो इंस्टा पे ज़रूर भेजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को आप लोग शेयर करें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हर तरीके का अबाया, हिजाब और हिजाब इनर कैप की वीडियोज़ मिलेगी। तो आप लोग जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरा जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आराम से मिल जाए। तो ये देखिए अगर आप स्लीव्स को बहुत ज़्यादा छोटा इसमें लगाते हैं तो फिर ये जो स्लीव्स वाला हिस्सा है उसमें खिंचाव हो जाता है, इसलिए स्लीव्स को थोड़ा सा लंबा ही रखें और कम्फर्टेबल बनाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।